सिक्योरिटी गार्ड में आपका जॉब चाहिए, वो भी उत्तर प्रदेश में। हम आपको 16 ब्रांच ऑफिस का नाम बताने वाले हैं, जैसे कि बनारस हो गया, नोएडा हो गया, लखनऊ हो गया, राम मंदिर अयोध्या हो गया, कानपुर हो गया, ऐसे ऐसे शहर में आप अगर जॉब कर सकते हैं। सीधा ब्रांच में जाइए, 2 से 3 दिन में ज्वाइनिंग प्रोसेस है कम से कम फीस में, और आप ड्यूटी वहां पे ले सकते हैं, चाहे राम मंदिर अयोध्या हो गया कि बनारस हो गया। दोस्तों यहाँ पे हम आपको सीधा ब्रांच 16 ब्रांच का नाम बताने वाले हैं। तो आपको सिक्योरिटी फील्ड का जॉब चाहिए तो आपको हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम। दोस्तों मेरा नाम है रंजीत कुमार और आपको हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत करते हैं। दोस्तों हम आपको लेकर के आए हैं यूपी के 16 ब्रांच ऑफिस का नाम, जहां पे आप नियर बाय, जहां नजदीकी पड़ता है वहां पे जाकर के डायरेक्टली जॉब ले सकते हैं। और आप जो भी रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स है वो डॉक्यूमेंट्स दिखाना है, कम से कम फीस में ट्रेनिंग नहीं करना पड़ेगा आपको, कम से कम फीस में, चाहे राम मंदिर अयोध्या हो गया, बनारस हो गया, कि जो भी हो गया वहां पे आपको जॉब कर सकते हैं। दोस्तों बहुत सारा कॉमेंट आता है, यूपी हो गया, बिहार, राजस्थान, MP, मध्य प्रदेश, ऐसे ऐसे जगह से बहुत कमेंट आता है, सर मेरे को जॉब चाहिए, वो भी मेरे को यूपी में। तो देखो सैलरी थोड़ा कम मिलेगा लेकिन आपको जॉब बिल्कुल मिलेगा एज ए सिक्योरिटी गार्ड, ताकि आप साथ साथ पढ़ाई कर सके, अपना अलग काम भी कर सके। तो मैं 16 ब्रांच का नाम बताने वाला हूं आप सबको, तो आप सब जो है बने रहे हमारे साथ। अगर सिक्योरिटी फील्ड में जॉब से रिलेटेड अगर क्वेश्चन है कोई तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, और बाकी जॉब ऑफ से इन्फॉर्मेशन बिल्कुल आपको प्रतिदिन मिलेगा हमारे वीडियो चैनल पे 8 बजे सुबह को। तो चलिए मैं सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ आगरा से। आगरा का देखा जाए तो आपको पता है लाल ताजमहल आगरा में, वहाँ पे हमारा बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड लगा हुआ है। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ, आपको यहाँ पे मिल जाएंगे लोकेशन, एड्रेस, प्रॉपर एड्रेस, जगह पे पहुंचे, कॉन्टेक्ट नंबर भी दे दूंगा लेकिन वो अधिक लगेगा नहीं ज्यादा करके, तो मैं पूरा का पूरा लोकेशन यहाँ पे दे दूंगा जो यहाँ पे इस लोकेशन पे जाना है आपको। और ब्रांच में फेस टू फेस पेमेंट किसी को फ्रॉड में मत कीजिएगा, ऑनलाइन पेमेंट करके फंस गया, बहुत सारा कॉमेंट आ रहा है मेरे नाम पे भी फ्रॉड हो रहा है, तो सावधान अलर्ट होकर के पेमेंट करना है, ऑफिस जाकर के ही करना है, वैसे कहीं भी मत करना। दोस्तों मैं सबसे पहले आगरा का बात करता हूँ, दोस्तों मैं डिटेल्स में नहीं बता पाऊंगा, शॉर्ट में नाम बता पाऊंगा एड्रेस, और बाकी यहाँ आप पढ़ सकते हैं। सबसे पहले मैं आगरा का लोकेशन का बात करता हूँ। आगरा जैसे कि आपको पता है ताजमहल है, वहां भी नियर बाय बहुत सारे ऐसे सिक्योरिटी गार्ड लगते हैं, तो इसलिए वहां पे एक आपको ऑफिस मिलेंगे ब्रांच। तो ये दोस्तों यहाँ पे 4th फ्लोर करके हैं, सेक्टर 9 में ये आपको ऑफिस है, और इस ऑफिस में ब्रांच में डायरेक्ट जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं, जॉब ले सकते हैं, बहुत ही आसान है। और जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो लेकर के जाना है, पेमेंट पहले नहीं करना है आपको, पहले वेरीफाई होगा, चेक होगा डॉक्यूमेंट्स, उसके बाद ही पेमेंट लेता है, तो थोड़ा एक्टिव अलर्ट होकर के जाएगा। पहला यहाँ पे मैं दे दूंगा आगरा का ब्रांच ऑफिस का नाम। अब मैं सेकंड नंबर में आता हूँ, 16 है तो थोड़ा जल्दी जल्दी फास्ट में बताना पड़ेगा दोस्तों। मैं तो सेकंड आता हूँ बरेली। बरेली दोस्तों ये 2nd फ्लोर करके है, यहाँ पे जाना है आपको, यहाँ पे अमर उजाला प्रेस के पास है ये, यहाँ पे मैं पूरा डिटेल में नहीं बता पाऊंगा, ये बाकी यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। ये यहाँ पे आप जाइए बरेली में, जो आपका SIS ऑफिस है डायरेक्ट जाइए, जो भी डॉक्यूमेंट्स है, अगर वहाँ पे दोस्तों ये है, नंबर भी मैं दे रहा हूँ, नहीं लगे तो कंफ्यूज मत हो जाएगा, क्योंकि नंबर अधिकतर ब्रांच वाला स्विच ऑफ ही रहता है, नहीं तो लाइन बिजी करके छोड़ देता है फ्लैट मोड में। तो आप वहाँ पे सीधा विजिट कीजिए बरेली में, ये लोकेशन पे पहुंचिए आपको, अगर वहाँ पे रिक्वायरमेंट होगा तो आपको जरूर जॉब देगा बिल्कुल 100%। और दोस्तों मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 100% आपको जॉब वहाँ पे मिल ही जाएगा, लेकिन आपको खाली देगा तो जरूर आपको भर्ती लेगा वहाँ पे। मैं तीसरा में आता हूँ गाजियाबाद का। दोस्तों गाजियाबाद देखा जाए C62 में है, 2nd फ्लोर, RDC राजनगर, तो यहाँ पे मैं दे दूंगा ये तीसरा, मैं आप गाजियाबाद का लोकेशन देख सकते हैं, और मेरे बोलने से ज्यादा होगा कि आप यहाँ पे नोट कर लीजिए लिख करके, जो मैं यहाँ पे लिख करके दे दिया हूँ। तो ये दोस्तों यहाँ पे नियर बाय कृष्णा सागर, यहाँ पे गाजियाबाद में जा सकते हैं, वहाँ पे अगर आप उस लोकेशन में जॉब चाहिए आपको तो बहुत ईजी होने वाला है, आराम से जॉब आपको मिल जाएगा इस ब्रांच पे, आप जाइए, कॉन्टेक्ट नंबर भी दे दूंगा, लग जाए तो लग है आपका, नहीं लगा तो कोई दिक्कत ना, आप सीधा विजिट करें ब्रांच में गाजियाबाद का। ये देखा 16 ब्रांच है उत्तर प्रदेश में। गाजियाबाद के बाद दोस्तों मैं नेक्स्ट बात करूं तो गोरखपुर का बात करता हूं। गोरखपुर में आपको ये वार्ड नंबर 56 में पड़ेंगे, राधे भवन दौदपुर में, ये यहाँ पे आप जाइए। अगर गोरखपुर में बहुत सारा दोस्त भाई कमेंट किया है, सर गोरखपुर, कॉल भी करते हैं, सर गोरखपुर का लोकेशन बताइए, कैसे जॉब ले, किधर है इसका ऑफिस जहाँ से मैं ज्वाइन करूँ, तो ये आपके लिए बहुत जबरदस्त होने वाला है। गोरखपुर आप जाइए ये लोकेशन पे, यहाँ पे जो मैं दे दिया हूँ, बिल्कुल आपको जॉब मिल जाएगा। गोरखपुर में अधिकतर बेरोजगार रहते हैं लेकिन आपको जॉब मिल जाएंगे, तो बिल्कुल वहाँ पे गोरखपुर ये लोकेशन पे पहुंचे आपको जॉब मिल जाएगा। उसके बाद मैं बात करता हूँ ग्रेटर नोएडा का। दोस्तों ये है 5वां नंबर, ग्रेटर नोएडा में देखा जाए शॉप नंबर 314 में है, 3rd फ्लोर, हर्षा मॉल,
कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे जाइए आप, यहाँ पे मैं नाम दे दूंगा, आप यहाँ पे जाइए, आपको जो डॉक्यूमेंट्स है, नियर बाय जो भी घर है, डिस्ट्रिक्ट है कि गांव है, आप इस लोकेशन पर पहुंचे, आपको जॉब 100% मिल जाएंगे अगर खाली रहे। लेकिन नोएडा तरफ अधिकतर खाली ही रहता है, तो आप जाए, लेट नहीं करें, जॉब ले सकते हैं। जैसे सिक्योरिटी गार्ड आपको 16 से 18 हज़ार सैलरी देखने को मिलेगा। अब मैं बात करता हूँ दोस्तों नेक्स्ट, क्योंकि तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, कानपुर हर्षनगर का, कानपुर हर्षनगर का ये है एक ब्रांच जो कि हाउस नंबर 749 है। आप यहाँ के लखनपुर हाउसिंग सोसाइटी, सोसाइटी कानपुर, इस लोकेशन पर आप पहुंच के डॉक्यूमेंट्स दिखाइए, रिक्वायरमेंट जो भी है, फीस है, डॉक्यूमेंट्स वो दिखे, हर ऑफिस का अलग अलग फीस रहता है, वैसे तो 7 हज़ार के समथिंग आपको ऑफिस से ज्वाइनिंग में लगेगा। इस लोकेशन पर पहुंचे, बाकी नंबर भी मैं दे रहा हूँ, अगर लग जाए तो ठीक है, नहीं लगा तो कोई दिक्कत नहीं। इस लोकेशन पे भी आपको जॉब मिल सकता है, इस लोकेशन पे जाइए, ये ऑफिस बहुत ही कानपुर का बहुत ही फेमस है। अब मैं नेक्स्ट बात करता हूँ कानपुर पनकी, ऐसे कानपुर पनकी के लिए मेरे को भी ऑफर आ रखा था प्रमोशन दे करके, लेकिन मैं वहां पे नहीं जा पाया, मना कर दिया, क्योंकि मैं अभी मैं फिलहाल इधर ही रहूंगा। तो ये कानपुर पनकी का देखा जाओ तो कानपुर पनकी में ऐसे ऐसे में, यहाँ 40E ब्लॉक नियर भी बीएमसी हॉस्पिटल, ये बीएमसी हॉस्पिटल है 40E ब्लॉक में, यहाँ लोकेशन पे मैं यहाँ पे दे दूंगा, नंबर भी है, आप लगा करके कॉल कीजिए, नहीं लगेगा तो आप सीधा विजिट करें, जो नियर बाय घर है, गांव है उसका, वो जा करके वहाँ पे जॉब ट्राई कर सकते हैं, ट्राई करने में कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। आजकल लड़के सब चाहता है घर पे बैठे बैठे फोन पे ही ऑनलाइन पेमेंट कर देता है, पैसे उसका फ्रॉड होकर के गया, लेकिन बोलता मेरे को जॉब मिला ही नहीं, ऐसे नहीं करना है दोस्तों। अब मैं दोस्तों नेक्स्ट का बात करूँ, कानपुर पनकी के बाद तो लखनऊ आता है चिनहत, चिनहत, लखनऊ चिनहत दोस्तों, ये 9th फ्लोर में आता है, यहाँ पे मैं दे दूंगा आपको। तो इस लोकेशन पे पहुंच करके आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, रिज्यूम लेकर के जाइए, अपना डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाइए, चेक कराइए, आपका अगर वहाँ खाली रहेंगे तो आपको जॉब जरूर मिलेगा दोस्तों। ये आपको आता है 9th फ्लोर में, लेकिन ये विभूति कांड गोमती नगर, यहाँ पे आपको लोकेशन जो भी नजदीकी है, जो दोस्त भाई वो वहाँ पे पहुंच के जॉब ले सकते हैं, जबरदस्त है, क्योंकि आजकल बहुत सारे लड़के जो है बेरोजगार तो रहते हैं, लेकिन चाहते हैं जो यार मैं कहीं परेशानी ना हो, मेरे को रूम पे बैठे बैठे जॉब मिल जाए, ऐसे नहीं होता है मेरे दोस्त, आपको मैदान पे उतरना ही पड़ेगा। नेक्स्ट बात हम करते हैं लखनऊ महानगर का, जो मेन सिटी है, तो दोस्तों यहाँ पे 26 सेकेंड फ्लोर, शॉप नंबर शायद 26 है, सेकेंड फ्लोर, ये चंद्रलोक नियर बाय कपूरथला, यहाँ पे आप पहुँच करके लोकेशन पे पहुँची, इस लोकेशन पे आज आप जो भी रिज्यूम है कि डॉक्यूमेंट्स है वहाँ पे दीजिए, मुझे बोलिए मुझे सर जॉब का चाहिए, नीड है, और जो भी रिक्वायरमेंट है डॉक्यूमेंट्स का, सैलरी का, वो सब वहाँ पे जानकारी मिल जाएंगे, जो भी फीस देना पड़े करके आपको 2 से 3 दिन में ब्रांच में ड्यूटी मिल जाता है, ट्रेनिंग सेंटर जाने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा। ये नंबर भी मैं दे दूंगा यहाँ पे वैसे, लेकिन ये नंबर क्या पता लगे या नहीं लगे, बहुत पुराना नंबर है। अब मैं बताऊं दोस्त, मीरुत उत्तर प्रदेश में है, एक मीरुत जगह जहाँ पे आपको नियर बाय नजदीक जो भी दोस्त भाई पढ़ते हैं, ये मीरुत SIS सिक्योरिटी ऑफिस जा सकते हैं आप, वहां पे भी आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो भी नजदीक पड़ता है दोस्तों। ये देखा जाए तो ये K5 1st फ्लोर करके है, पल्लवपुरम Phase 2 दिल्ली रुड़की बाईपास, दिल्ली वाले रूट में पड़ता है ये, तो आप यहाँ पे भी जाकर के जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स ले जाइए। सैलरी देखिए, सैलरी का हर जगह कम ज्यादा करके रहता है, ये आप पे डिपेंड करता है, अगर नजदीक घर है तो जॉब करने में कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं है, तो आप बिल्कुल इस जगह पे पहुंचिए। और नंबर भी मीरुत का दे दूंगा यहाँ पे, लेकिन वो भाई वही है, जो गारंटी नहीं है लगेगा कि नहीं लगेगा, ये अपना कोशिश कीजिएगा जरूर। तो दोस्तों ये हो गया आपका मीरुत का। अब मैं नेक्स्ट का बात करूं तो ये हो गया आपका नोएडा, ये है नोएडा। अब मैं बात करता हूँ नोएडा में, नोएडा में कई सारे ब्रांच हैं, मैं सबसे पहले मैं यहाँ पे देख सकते हैं E22 2L 212 नंबर है, यहाँ पे 3rd फ्लोर करके सेक्टर 63 में नोएडा में ये ब्रांच है, यहाँ पे जाकर के आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल वैकेंसी रहता है, आप ट्राई कीजिए, कई सारे ब्रांच ऑफिस है यूपी में, तो हर जगह अगर जी नज़दीक हो सके जितना उतना आप जाइए, आप जॉब के लिए तैयारी अगर कर रहे हैं सिक्योरिटी गार्ड में, तो ताकि आपको पता है पढ़ाई भी कर सकते हैं सिक्योरिटी गार्ड में, और जॉब भी कर सकते हैं पार्ट टाइम हो या फुल टाइम। ये नोएडा जो है
यहाँ पे थर्ड फ्लोर सेक्टर 63 में आपको है देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप बिल्कुल जाइए, जॉब कोशिश कीजिए, लेकिन हम आपको बड़ा हमारा काम है आपको लोकेशन पहुँचाना, वहाँ पे जाइए ट्राई कीजिए, अगर जॉब मिलेगा तो ज़बरदस्त है, बढ़िया है। इस लोकेशन पर आप जैसे मैं यहाँ पे दे दूंगा, यहाँ से लिख भी सकते हैं, अगर बोलने में मेरे को कम अगर हो रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है तो लिख भी सकते हैं। अब मैं दोस्तों मैं बात करता हूँ, नोएडा में एक SLB का भी दोस्तों मैं बता दूँ, SLB ऐसी सिक्योरिटी होगा है जो हमारा SIS उसको खरीद लिया है, लेकिन उसका भी जो ऑफिस है उसको SIS के ही थ्रू उसमें ज्वाइन कर सकते हैं और SIS के अंदर में आते हैं। तो SLB का भी ऑफिस है, इसका भी मैं यहाँ पे लोकेशन दे दूंगा, जो SLB का ये सेक्टर 69 में पड़े सॉरी 63 में पड़ता है, यहाँ पे भी जाकर SLB में जा सकते हो। SLB में कम से कम 15 से 2 हज़ार में ज्वाइनिंग फीस आता है, सैलरी लगभग 1000, SIS से थोड़ा कम ज़्यादा रहता है, लेकिन वो भी ज़बरदस्त है दोस्तों। ये इसके बाद मैं बात करता हूँ, ये ज़बरदस्त होने वाला है, ये भी नोएडा में पड़ता है, नोएडा एक्सप्रेस वे। ये लोकेशन यहाँ पे देख सकते हैं, ये 5th फ्लोर और ये यहाँ पे सेक्टर 127 है नोएडा में। ये यहाँ पे मैं लोकेशन दे दूंगा, यहाँ पे जा करके आप ट्राई कीजिए, जॉब बिल्कुल मिलेंगे। यहाँ पे बहुत सारे लड़के इसी भी कॉन्टेक्ट में है मेरा, जो इस लोकेशन में ड्यूटी कर रहा है, तो जो दोस्त भाई करना चाहते हैं जाइए। और बाकी यहाँ पे देखा जाए 5th फ्लोर पे है प्लॉट नंबर A19, यहाँ पे नियर बाय शनि मंदिर ये भी दे रखा है सेक्टर 127, बिल्कुल जाइए, आपके लिए जबरदस्त होने वाला है, मस्त है, जॉब कीजिए भाई। और उसी के साइड में दोस्तों मैं बता दूँ, उसी के पास में उसी बिल्डिंग में जो है नोएडा रीजनल ऑफिस है, जहाँ से हमारे SIS ब्रांच ऑफिस का कार्यभार संभाला जाता है, जो कि ऑफिस को देखते हैं, रीजनल ऑफिस में अधिकतर यही होता है। उस एरिया में जो भी बड़े अधिकारी आते हैं GTO लेवल का बंदा, तो पहले रीजनल ऑफिस में ही रिपोर्ट करते हैं, तो नियर बाय उसके पास में भी जो है रीजनल ऑफिस है एक नोएडा में। अब मैं दोस्तों बात करूँ उत्तर प्रदेश का रीजनल ऑफिस, दोस्तों उत्तर प्रदेश में भी रीजनल ऑफिस है, ये आपको लखनऊ में है, लखनऊ में बोले तो सबसे बड़ा महानगर है, सिटी है, तो वहाँ पे रीजनल जो भी नज़दीक का ब्रांच रहता है ऑफिस रहता है, आपको यहाँ डायरेक्ट जॉब नहीं मिल सकता है रीजनल ऑफिस में, लेकिन हाँ अगर वो आपको लोकेशन बता देगा इस ब्रांच चले जाओ उस ब्रांच चले, उसके अंदर में एक रीजनल ऑफिस में 5, 6, 7, 8, 10 सिक्योरिटी ब्रांच आते हैं, ऑफिस आते हैं एक रीजनल ऑफिस में, तो वहां पे आपको लोकेशन बता देगा, इस लोकेशन चले जाओ, वहां पे चले जाओ, वहां पे चलो आपको जॉब मिल जाएगा, तो रीजनल ऑफिस भी आप जा सकते हैं। वैसे यहाँ पे मैं लोकेशन दे दूंगा, ये आपको जो है 9th फ्लोर यहाँ पे विभूति कान गोमती नगर के पास ही मिलेगा लखनऊ में, जिस जहाँ पे इसका एक ब्रांच भी है, तो आपको ब्रांच में ये भेज देगा। अब मैं बात करता हूँ दोस्तों मेन पॉइंट बनारस के लिए, वाराणसी से बहुत सारा कमेंट आता है, कॉल आता है, तो सर मेरे को बनारस में जॉब चाहिए, बनारस में चलो, तो आपके लिए भाई जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है, आप जरूर जाइए दोस्तों। ये है S25, ये 1st फ्लोर यूनियन बैंक बिल्डिंग, और ये सिंधु धौरा रोड, क्या है सिंधु धौरा, हाँ सिंधु धौरा रोड ये है, इस लोकेशन में पहुंचिए, यहाँ पे मैं दे दूंगा लोकेशन, वैसे इस एड्रेस में पहुंची, इस लोकेशन में आपको जॉब मिलेगा, बाकी नंबर भी मैं दे दूंगा, लेकिन नंबर का गारंटी नहीं है लगेगा या नहीं लगेगा। तो दोस्तों ये रहा आपके पास 16 ब्रांचेस जो ऑल यूपी में है, आप जैसे राम मंदिर अयोध्या हो गया कि बनारस हो गया, नोएडा हो गया, कानपुर, लखनऊ, ऐसे ऐसे शहर में आप जॉब कर सकते हैं, 17 से 18 हज़ार रुपये महीने आराम से कमा सकते हैं, और आपके घर के पास रहेंगे तो ज़बरदस्त होंगे, क्योंकि मेरे को सबसे ज़्यादा बिहार के बाद अगर सबसे ज़्यादा कॉल आता है तो यूपी से ही आता है, उसके बाद राजस्थान से भी आता है, तो दोस्तों ये आपके लिए जबरदस्त होने वाला है, तो ये लोकेशन पहुंचे आपको जॉब जरूर मिलेगा। तो दोस्तों फिलहाल अभी के लिए इतना ही दीजिए, अगला वीडियो में हम बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे, तो जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।